अभी हाल ही में पुलिस कस्टडी में हुई युवक की मौत के बाद परिजनों ने थाने में जमकर हंगामा करते हुए भाजपा विधायक सहित सपा की पूर्व विधायिका के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराकर गिरफ्तारी की मांग की थी, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी न होने की वजह से राष्ट्रीय लोकदल के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने महापंचायत शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। कोई अनहोनी न हो इसके मद्देनजर चारों तरफ काफी फोर्स तैनात कर दी गई है। यहाँ पर जितने लोग हैं, आपके पदाधिकारी का है लगभग 1 साल से मेरा सबसे परिचय है, मुलाकात है, और जितने भी हम लोगों के स्तर से पुलिस के स्तर से कार्रवाइयाँ हुई किसी भी कार्यक्रम में किसी भी चीज में, हमारी तरफ से यही रहा कि आप लोगों का जो अधिक से अधिक हित हो सके, चाहे वो पुलिस से संबंधित कार्य हो, बिजली विभाग से हो, किसी भी विभाग के हो, हम लोगों ने उचित स्तर पर उचित फ्रंट पे उसको रखने का प्रयास किया। आपके सीओ साहब एमपी सिंह साहब मेरे गुरु रहे हैं, मैंने उन्हीं के अंडर नौकरी शुरू की, तो जब शुरुआत यहाँ पर की मैंने तो सबसे उनका सहयोग मिलता रहा। बाकी देखिए जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिस मुकदमे के बारे में अभी एसपी आर्य साहब ने भी आपको बताया, अपहरण का जो मुकदमा लिखा गया, लगभग 5-6 साल से हाईकोर्ट के आदेश से जिन मुकदमों में जिन धाराओं में 7 साल के अंदर की सजा है, और सीसीटीवी फुटेज की जितनी हमारे पास है वो उनको और हम सारी विवेचना में शामिल कर ले रहे हैं, भले ही किसी ने मुकदमे में जमानत करा ली हो। धाराएं छोटी हैं, अगर जमानत करा भी ली है लेकिन उसके बाद भी अगर उसका नाम शामिल नहीं है, गलत तरीके से आया, या उसका सीसीटीवी फुटेज में कहीं से नहीं दिखता है, तो हमारे विवेचक का काम है, हम उसका नाम निकालेंगे। दूसरे हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है तो इन लोगों को क्यों नहीं किया जा रहा? उस कड़ी में उन लोगों की गिरफ्तारी हुई। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि रुचि विदा के खिलाफ इस तरह के साक्ष्य नहीं मिले, उस पर ऐसी धारा नहीं बनी कि उसे हम अरेस्ट कर ले, हम उस पर हाथ डाल ले, हमारी नौकरी चली जाएगी। लेकिन उसके लिए इन लोगों ने एक ऑप्शन खोला है कि उसके खिलाफ उस मुकदमे में जो भी अभी डेंस है ये मांग रहे हैं हम लोगों से, वकील भाई भी हमारे वकील साथी यहाँ बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि और एविडेंस हमें दो, हम दोबारा जांच कर रहे हैं उसकी, उस केस की जो अपहरण वाला केस था उसकी हम दोबारा जांच कर रहे हैं, उससे संबंधित जो भी साक्ष्य हमें मिलते हैं हम इसमें एडजस्ट करते हैं ताकि उसे गिरफ्तारी के लिए उस पर और ज्यादा दबाव बन सके, हमारे हाथ मजबूत हो सके, पुलिस प्रशासन का ये कहना। इसमें हमारी गवाही होगी, पुलिस कह रही है कि 3 दिन तक हमने नहीं रखा, हमने 1 दिन थाने में रखा है, लेकिन हम चौधरी साहब से मिलने गए थाने में, 3 दिन तक हमारे लोग वहां पहुंचे, दवाई पहुंचाई, रोटी पहुंचाई, वो मिलने गए, जब तक वो चौधरी साहब थाने में रहे हम उसके गवाह हैं। हम यही कह रहे हैं, इसकी मजिस्ट्रियल जांच, आप हमारे जो वकील साथी बैठे हैं वो जानते हैं कि मजिस्ट्रियल जांच में हमारी गवाही होगी और वो लगेगी, तो हम अपना वो करने का काम करें, हम अपने केस को मजबूत करें, और जो इसके दोषी हैं जिनके खिलाफ हमने रिपोर्ट लिखवा रखी है हम उसमें अपने बयान दें दर्ज करा में कि यही लोग इस हत्या के दोषी हैं। We'll be right back.